बात करते हैं आतिशी के बयान पर। मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों को आरोपी बनाया है। आतिशी कहानी गढ़ रही हैं, ये कहते हुए नजर आए मनोज तिवारी। आम आदमी पार्टी में कोई सच बोलता ही नहीं है। मनोज तिवारी की तरफ से आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले की थी, उसको लेकर के मनोज तिवारी अब कह रहे हैं कि आतिशी कहानी गढ़ रही है। जो बात वो कह रही है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अभी और कई लोग हैं जो जेल के अंदर जाएंगे, और साथ ही बीजेपी लगातार उन पर प्रेशर बना रही है, ऑफर दे रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जिसको लेकर के अब मनोज तिवारी का पलटवार, कह रही है कि आम आदमी पार्टी में कोई भी सच नहीं बोल रहा। बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद भी हैं, एक बार फिर से प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी उनके सीक्रेट व्यक्ति, जो उनका सबसे खास व्यक्ति था, उसके माध्यम से ये जानकारी पहुंचा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो एक महीने के अंदर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहें? एक तो देखिए, अब आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शराब घोटाले में आरोपी बन गए हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को आरोपी बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, जो उनके नेता है, जिसके जेल में जाने के बाद यही लोग इस समय सरकार चला रहे हैं। उसी अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन बाद, पहले दिन कोर्ट में गए तब नहीं, 7 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन बाद आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को कहा कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था, इसलिए अगर हमको ले जा रहे हैं तो इनको भी पूछताछ करो। और उसके बाद आतिशी जी को याद आता है कि मुझे ये कहानी गढ़नी है। इसका मतलब आप देख लीजिएगा, मनीष सिसोदिया का आया, उनका भी यही कहानी गढ़ रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन फोन किया, किसने फोन किया, अति सूक्ष्म, कहां से कौन कहा। अरे भाई, यह डिजिटल युग है यार, ये बताओ कि ये कॉल आया था और इसने ये बातचीत की, हम पूरा मोबाइल जमा करो, हम सब कुछ जांच करा लेंगे और जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो इन्होंने, बीजेपी वालों ने पहली जो आम आदमी पार्टी की फर्स्ट लीडरशिप थी उसको जेल में भेजा, अब ये सेकंड के पीछे पड़ गए हैं। और उन्होंने ये भी दिया, कहा है कि यदि आप अपना पॉलिटिकल करियर बचाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। तो क्या बीजेपी में नेताओं की कमी आ गई? देखिए, ये भ्रष्टाचारी लोग तो है ही हैं, लेकिन ये बहुत ही करप्ट मानसिकता के और आपराधिक मानसिकता के भ्रष्टाचारी हैं।